सर थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर एज इंडिया बिलीव इन अर्थ इज़ वन फैमिली अभी uh, मान्य मंत्री जी ने कहा कि हम लोग इतना सक्षम है कि भारत की बात कोई नहीं uh, सुनी जाती है नहीं, एक, नहीं सर मैं एक मिनट बैठो, एक बैठो हाँ मैं, मैं बैठ दूँगा ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आईपीयू की जो हमारी स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं जब गया और हमने पर्यावरण के मामले के अंदर प्रस्ताव रखा तो अधिकतम हम देश हमारे साथ थे मुझे अच्छा लगा कि भारत इस विषय में नेतृत्व कर रहा है कुछ अत्यधिक विकसित देश जरूर उसके खिलाफ़ मतदान किया लेकिन मुझे अच्छा लगा कि भारत पर्यावरण के मामले में नेतृत्व कर रहा है ये हमारे देश की शान है ये राजनीति से ऊपर उठकर अच्छी बात है कि भारत पर्यावरण जैसे विषय पर इतना बड़ा देश इतनी बड़ी आबादी इतनी भौगोलिक स्थितियाँ उसके बाद भी भारत एक अच्छा नेतृत्व कर रहा है निश्चित रूप से सर मैं वही बात आगे के बढ़ाना चाहता था कि टारगेट जो वहाँ ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में रहा कि विकसित देश दो कह रहे थे चाइना ने 2060 कहा और हम 2070 की बात करें तो हम क्या उसको 2070 से पहले जीरो मिशन पे कार्रवाई कर सकते हैं दूसरा मेरा जो क्षेत्र से न, न, वो था मामला जब मैं मैंने बात की थी क्या एक आप एक टीम भेजेंगे मेरे यहाँ जो है प्रदूषण वाले मामले में आपको मैंने लिखित आ, में भी दिया